नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया स्पेशल और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। हेडलाइंस के बाद आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्ती की नई बुनियाद की खबर से। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान दौरा कई लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ है। दोनों देशों के बीच 12 अहम समझौतों पर करार हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी का यह दौरा आर्थिक, सामरिक और डिप्लोमेसी के स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर पर चाबहार पोर्ट को लेकर जो समझौता हुआ है उसने दोनों देशों के रिश्ते को न सिर्फ नई ऊंचाई दी है बल्कि इससे चीन और पाकिस्तान को भी जवाब मिला है। दरअसल पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को लेकर चीन की दिलचस्पी जग जाहिर है और इससे भारत को भी मुश्किल थी, लेकिन चाबहार पोर्ट के विकसित होने से भारतीय जहाजों को पाकिस्तान के रूट का इस्तेमाल अब नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसमें अफगानिस्तान की भी भूमिका होगी और इस वजह से इस समझौते के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी तेहरान में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत और ईरान का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन वक्त आ गया है कि दोनों देश मिलकर तरक्की की नई इबारत लिखें। इंडिया एंड ईरान हैव ऑलवेज बीन पार्टनर्स and friends. Our historical ties may have seen their share of ups and downs, but throughout our partnership has remained a source of boundless strength for both of us. Time has come for us to regain the past glory of traditional ties and links. Time has come for us to march together in this endeavor. You, the eminent scholars, have a defining role to play. चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मंच, मोर्चा और मकसद की। तो विलय को लेकर जेवीएम और जेडीयू के नेता भले ही खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों दलों के बीच कुछ समीकरण सिद्ध जरूर किए जा रहे हैं। सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है या फिर दूसरे सियासी दोस्त भी ढूंढे जा रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, ये दोस्ती देश के सियासी समीकरणों में बदलाव के संकेत जरूर दे रहे हैं। जेवीएम का महाधिवेशन और मंच पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। जाहिर है सियासत की ये वो तस्वीर है जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मरांडी लंबे समय तक बीजेपी के सिपाही रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी 17 साल तक बीजेपी से सियासी दोस्ती गांठ चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी से दुश्मनी दोनों को करीब लेकर आई है। माना जा रहा है कि बिहार झारखंड में अगर दोनों के गठबंधन को मजबूती मिली तो इससे देश के सियासत के समीकरण में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। और जब धनबाद मिले थे वो बता रहे थे कि देश के भिन्न भिन्न कोनों में उनको लोग बुलाते तो उसका तरह तरह के लोग अर्थ लगाते हैं, तरह तरह के लोग अर्थ उसका लोग निकालते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा, मैं तो कहता हूं कि नीतीश जी में कौन सी कमी है। नीतीश जी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता भी और क्षमता भी है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। और फिर जो कुछ भी झारखंड के गठन के बाद जिस प्रकार से इन्होंने झारखंड के विकास के लिए प्रयत्न किया, योजनाएं बनाई,
और उन दिनों जब मैं एक एक चीज को जानने की कोशिश करता था, समझता था, समझने की कोशिश करता था, तो मुझे यह प्रतीत होता था कि वाकई झारखंड राज्य का अलग होना जरूरी था और बाबूलाल जी जैसा इसको नेता मिला है झारखंड राज्य को, अब निश्चित रूप से झारखंड देश के शीर्ष राज्यों में से एक होगा। बिहार में महागठबंधन को मिली भारी जीत और पीएम मोदी पर नीतीश के बयानों से यह जाहिर हो गया था कि पांचवी बार बिहार की गद्दी संभालने के बाद नीतीश केवल बिहार की सियासत नहीं करने वाले। यही वजह है कि मिशन 2019 में जुटे नीतीश कुमार ने झारखंड में जेवीएम से सियासी दोस्ताना कायम किया। शराबबंदी को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार देश भर में घूम रहे हैं। बात विलय की भी चल रही है, जिसे विरोधी दलों के नेता कुछ और नजरिए से देखते हैं। बिहार में 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी विधानसभा चुनाव में जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, तो 10 साल पूरे करने के बाद भी जेवीएम झारखंड की सत्ता के केंद्र में अपनी जगह नहीं बना पाया। ये सियासी मजबूरी है जिसने मरांडी और नीतीश कुमार को साथ लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन देशव्यापी विकल्प तभी तैयार होगा जब दूसरे राज्यों से ऐसे नेता और जुटेंगे। आशुतोष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। नई सियासी जुगलबंदी की शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार और बाबूलाल मरांडी ने एक मंच से नए सियासी रास्ते के संकेत दे दिए। महाधिवेशन के दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जेवीएम विधायक दल को तोड़े जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये कमजोर लोगों की पहचान होती है। वहीं नीतीश कुमार ने शराबबंदी के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए बाबूलाल मरांडी का विजन सबसे बेहतर रहा है। ये तो कमजोर आदमी का काम है दूसरों के यहां तोड़ फोड़ करने की कोशिश करना, ये मजबूती की निशानी नहीं है, ये तो कमजोरी की निशानी। और जिस सहयोगी के साथ चुनाव लड़े उनको भी किनारे करने के लिए ये सब उपक्रम किए गए। हम आ रहे थे तो रास्ते में जगह जगह हमने देखा आजू का पोस्टर लगा हुआ है, अभी बेचारे को तो किनारे ही ना कर दिया, इसीलिए तो बाबूलाल जी के यहां से ले गया 6 आदमी को तोड़ताड़ करके कि अपने बलबूते कर रहे हैं। तो सब लोग समझ लीजिए ये तो किसी के नहीं है, इनको चाहिए सिर्फ कुर्सी चाहे जिस प्रकार से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, रघुवर दास जी, जरा अपना आदमी भेज दीजिए बिहार के गांव में, पता कर लीजिए कि कितनी शांति है, कितना प्रेम का भाव है। पहले शाम होते झगड़ा झंझट हंगामा मारपीट, आज बिल्कुल शांति, शहरों में भी शांति। अपनाइए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। एक बार हम आने वाले थे तो उसके पहले हमको बिहार मॉडल नहीं चाहिए, गुजरात मॉडल चाहिए। गुजरात मॉडल ही अपना लीजिए, गुजरात में भी शराबबंदी है, गुजरात के स्थापना काल से शराबबंदी है। आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शराबबंदी को खत्म नहीं किया था, लागू रखा था। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप भी शराबबंदी के पक्षधर हैं, इसलिए गुजरात में लागू रहा। अब तो अपने पार्टी के शासन वाले राज्यों में शराबबंदी करवा दीजिए। भारत ने अपना पहला स्पेस शटल लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आरएलवी टीडी यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को लॉन्च किया गया। इसरो की यह लॉन्चिंग ऐतिहासिक है क्योंकि ये रीयूजेबल शटल पूरी तरह से भारत में निर्मित हुआ है। ये व्हीकल स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आ जाएगा और इसे दोबारा से यूज किया जा सकेगा। इससे सैटेलाइट की कॉस्टिंग को 10 गुना तक कम किया जा सकेगा। अभी ऐसे रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वालों के क्लब में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान ही शामिल हैं। एसयूवी जैसा दिखने वाला यह स्पेस शटल अपने ओरिजिनल फॉर्मेट से 6 गुना छोटा है। टेस्ट के बाद इसको पूरी तरह से तैयार करने में 10 से 15 साल का समय लगेगा।
मौसम ने बदला मूड। जी हां, राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सोमवार को दोपहर बाद आंधी और बारिश से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। दो तस्वीरें हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बारिश से लोगों को पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और लू, इसके अलावा भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। बारिश के बाद दिल्ली में तापमान गिरकर अब 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते तापमान औसतन 40 डिग्री से ऊपर ही दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादलों से राजधानी में रविवार को भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन इतनी कम बारिश से गर्मी में कोई कमी नहीं आई और तापमान दोबारा बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। लेकिन सोमवार की बारिश ने लोगों को सुकून दिया और गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। राजधानी शिमला में दिन में ही अंधेरा छा गया, तेज हवाओं के साथ जमकर मेघ बरसे। प्रदेश के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को बेहद राहत मिली है। मौसम में बदलाव से चिलचिलाती गर्मी और उमस से जूझ रहे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। सुबह तो यहाँ बहुत गर्मी थी, उमस हो रही थी और तेज धूप निकल रही थी, लेकिन अचानक मौसम ऐसा हुआ कि मजा आ गया। एकदम ओले, बरसात और ठंडक हवा में, बढ़िया मौसम हो गया एकदम। अब एकदम ठंडक हो गई है, अब सर्दी बारिश एकदम ओले हो गए। और वहाँ किस तरह का मौसम? वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, राजस्थान में तो 50 है टेम्परेचर। और यहाँ कैसा फील होगा? यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है यहाँ सब। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को और मंगलवार को प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय के अधिकतर इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई थी। तीन दिनों से लगभग जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्टॉर्म रोनू बना था, उससे ईस्टर्ली यानी कि जो पूर्वा हवा होती है, पूर्व की दिशा से आती है, वो पूरे मैदानों में आई हुई थी, जिससे कि नमी काफी बन गई थी। हीटिंग तो पहले ही यहाँ है, तापमान 40 के ऊपर था। सिर्फ एक मैकेनिज्म चाहिए था कि ये जो मॉइस्ट एयर है या जो नमी वाली हवा है, इसको कैसे ही ऊपर उठाया जा सके जिससे कि बादल बन जाए। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आया है जो इस समय पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर है, और उसकी वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास बना। ऐसे में जब हीटिंग होती है और मॉइस्चर होता है और साथ में सर्कुलेशन बन जाए, हवाएं घूमना शुरू कर दें, तो घने बादल और गहरे बादल बन जाते हैं। इधर झारखंड में भी मौसम ने करवट ली है और झारखंड के कई हिस्सों के अलावा रांची में भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। लोगों ने आसमान से गिरते हुए ओले का भी आनंद लिया। कुछ देर की जोरदार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। उधर श्रीनगर में पुलिस बल पर दो हमले हुए, जिनमें तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पहला हमला जदीबल चौक के, जबकि दूसरा हमला टेंगपुरा इलाके में हुआ। जदीबल पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। हमले में दो पुलिस वाले शहीद हो गए। मिल रही जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी सुरक्षा के लिए इलाके में तैनात थी और इसी दरमियान आतंकियों ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि दो जवान घायल हुए हैं। वहीं हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। सीबीआई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग मामले में सम्मन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली आने को कहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रावत के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
रावत ने इस संदर्भ में याचिका दायर की थी कि स्टिंग वीडियो में रावत कथित तौर पर कांग्रेस के 9 बागी विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए सौदेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ये स्टिंग बागी विधायकों ने ही जारी किया था। वहीं हरीश रावत ने खुद को पाक साफ बताया है और इसके साथ ही उन्होंने जांच में सहयोग करने की बात कही। हमने पहले ही कहा हम सहयोग करेंगे। पहले उन्होंने हमको ऐसी डेट दे दी थी जिस दिन फ्लोर टेस्ट था, जो असंभव था मेरे लिए वहां जाना, और अब कि उन्होंने ऐसी तिथि दी जिसमें मैं प्रोग्राम चेंज करके जा सकता था, तो अपना प्रोग्राम बदल करके मैं जा रहा हूं ताकि ये इम्प्रेशन न जाए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है सीबीआई के साथ सहयोग नहीं करना चाह रहा है। अब बाकी मैं उनकी निष्पक्षता के ऊपर सोचता हूं कि ये मामला ऐसा हैवी नहीं है जिसमें सीबीआई को जांच करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की भी प्रतिष्ठा का आकलन देश इसके आधार पर करेगा जो निर्णय वो करेंगे। अगली खबर पटना की है, जहां पर छात्र और उनके अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पटना यूनिवर्सिटी की है, जहां पिछले 20 दिनों से पटना आर्ट कॉलेज के छात्र हड़ताल पर बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास का आज उन्होंने गेट तोड़ दिया और उनके परिसर में घुस गए। इसके बाद बॉडीगार्ड ने मोर्चा संभाला और उन्होंने छात्रों को रोकने की कोशिश की, जिसके बावजूद भी छात्र नहीं रुके तो थक हार कर बॉडीगार्ड ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में भगदड़ मच गई। दूसरी तस्वीर सीबीएसई के दफ्तर की है, जहां 12वीं की परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। रिजल्ट से नाराज छात्रों और उनके परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सभी विषयों में बच्चों के अच्छे परिणाम आए हैं, लेकिन एक खास विषय में उन्हें फेल किया गया है।